तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो वीवो प्रो कबड्डी लीग है, इसका आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का भाई 109वां मैच, जो कि खेला जाएगा हरियाणा स्टीलर्स वर्सेज यू मुंबा के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो भाई वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, अदरवाइज भाई फिर इसमें आपका ही लॉस होने वाला है। लेकिन अगर आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते हो तो इजीली आप इस मैच में काफी शानदार विनिंग कर सकते हो, तो वीडियो को भाई लास्ट तक देखना। और अगर बात करें भाई कल के रिजल्ट्स की, तो कल के रिजल्ट्स में आपको दिखाता हूं, ग्रैंड लीग में भी रैंक एक लेके आए थे हम और स्मॉल लीग में भी अल्ट्रा क्लीन स्वीप हम लेके आए थे, ठीक है। यहां पर अगर बात करें जीएल की, तो जीएल भी मैं पहले जीएल दिखा रहा हूं, स्मॉल लीग तो भाई आप देख ही सकते हो सारे हमारे स्मॉल लीग में ही है। यहां पर अगर बात करें तो आप यहां पर देखिए भाई, जो मेन ग्रैंड लीग लगी थी दूसरे मैच में तेलुगु वर्सेस जयपुर वाले में, रैंक एक आपके भाई ने ला के दी थी, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरे भाई वीडियो को एंड तक देख लिया करो, और वीडियो को देखने के साथ साथ जो भी भाई पहली बार मेरे चैनल पर आया ना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो ये विनिंग है ना, ये आपकी फाइनल टीम के साथ ही हो सकती है। अभी मैं जो भी टीम दूंगा, हो सकता है उसमें लाइनअप्स के बाद कुछ बड़े चेंजेस मेरे को करने पड़े, क्यों उसका भी रीजन आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है कि लाइनअप्स आउट होने के बाद प्लेयर्स की पोजिशन के हिसाब से कुछ चेंजेस करने बन जाते हैं, तो इसीलिए भाई वो करने जरूरी होते हैं, और फाइनल टीम मैं हमेशा आफ्टर लाइनअप से ही देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। और जो ग्रैंड लीग लगी हुई है यहां पर, जो 2 करोड़ की ग्रैंड लीग यहां पर लगी हुई है, इसकी भी मैं आपको 3 से 4 जीएल की टीम प्रोवाइड करवाऊंगा, और कल की तरह आज भी रैंक एक लाने की कोशिश करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब अगर बात करें भाई मैच की, तो मैच की सारी डिटेल्स आपके लिए लेके आ गया हूं, लेकिन मैच के जो एनालिसिस है उनकी अगर बात करें, उससे पहले भाई एक जो रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, वीडियो को है ना लाइक नहीं करते हो आप लोग, देखिए अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे ना, तो मजा नहीं आएगा काम करने में, क्योंकि यार आपके सपोर्ट के लिए ही ये सब हो रहा है, तो अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर क्या घंटा मजा आएगा काम करने में, भाई आप खुद सोचो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लग रहे, ना ही आपका कोई समय खराब हो रहा है, 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा, अभी के अभी लाइक वाला बटन दबा दीजिए। साथ ही साथ भाई चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगर बात करें मैच की टाइमिंग की, तो 8:30 पर मैच खेला जाएगा अब से ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद। अगर बात करें इस मैच में कौन जीत सकता है, तो यू मुंबा हरियाणा स्टीलर्स, दोनों ऑलमोस्ट बैलेंस्ड टीम है, दोनों का ही भाई सेम सा रूटीन रहा है, लेकिन 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 यू मुंबा का डिफेंस है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है हरियाणा स्टीलर्स से, क्योंकि हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस है ना अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, वो भाई कभी तो बहुत अच्छा खेल जाते हैं और कभी उतना ही गंदा। अब दिक्कत क्या है कि जो यू मुंबा का डिफेंस है ना, वो सुरेंद्र सिंह अगर वापस आ जाते तो भाई गजब है, लेकिन सुरेंद्र सिंह के बिना भी यू मुंबा के डिफेंस ने अपनी टीम को मैच जिताया है, तो ये चीज है, और हरियाणा ऐसा करने में नाकामयाब रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज है, और इसीलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि डिफेंस जो टीम स्ट्रांग लेके उतरेगी ना, वो मैच जीत जाएगी, ठीक है। और यही दिक्कत आ रही है हरियाणा स्टीलर्स के साथ। तो अब अगर बात करें इस मैच में, तो 70% चांस मैं देने वाला हूँ, 70 से 75% चांस दूंगा मैं यू मुंबा को, बाकी 30 से 25% चांस मैं दूंगा यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स को इस मैच में विनिंग के। टेलीग्राम की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, अगर डिस्क्रिप्शन वाला लिंक वर्क ना करे वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में चले जाइएगा, वहाँ पर भी लिंक दे रखा है। हरियाणा स्टीलर्स की स्टार्टिंग 7 देखते हैं, यहाँ पर भाई टीम के दोनों मेन रेडर राइट साइड से रेड करेंगे, और दोनों ही आपके एक मतलब जैकपॉट रेडर रहेंगे, ठीक है, और दोनों को आपको अपनी टीम में जरूर से ट्राई करना है। वहीं अगर भाई यहां पर बात करें, तो अब देखिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान दीजिएगा, मनजीत लास्ट मैच में कमाल करके आए, और लास्ट मैच में भाई इन्होंने जो एक रेड की थी ना, वो बहुत गजब थी, बहुत ही गजब रेड थी, ठीक है, 5 पॉइंट की रेड थी, और उसी की वजह से भाई ये इनका सुपर 10 कंप्लीट हो गया था, और बहुत ही शानदार रेड थी और गजब खेले थे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें मीतू महेंद्र, लास्ट मैच में अगेन अपनी शानदार फॉर्म वापस लेके आए काफ़ी मैचेज के बाद, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेले थे, उसके बाद बीच में बहुत ज़्यादा खराब खेले और अब वापस अच्छा खेले हैं। वहीं अगर यहाँ पर भाई बात करें जो मीतू महेंद्र के बाद जो टीम के थर्ड रेडर है, वो या तो राकेश नरवाल रहेंगे, राकेश नरवाल रहेंगे तो ये डिफेंस को भी चलाएंगे, प्लस मेनली एक्सपीरियंस्ड प्लेयर का मैट पर रहने का काम होगा, और इनका ज्यादा रेड नहीं मिलेगा, और रेड भी करेंगे तो काफी सेफ सेफ रेड करेंगे। हाँ मतलब अगर इनके ऐसे डू एंड डाई आ जाती है और उस केस में जाते हैं, तो फिर तो दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज भाई यहां पर आप ये मान सकते हो कि बिल्कुल ईजिली, आप बस इतना मान के चलो कि यहां पर है ना राकेश नरवाल
आपके लिए ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं लेके आएंगे फैंटेसी में, ठीक है। हाँ अपने टीम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बट यहाँ पर नहीं आए। हाँ के प्रपंचन खेलते हैं तो ये काफी रेड कर सकते हैं क्योंकि दोनों मेन रेडर राइट से रेड करेंगे तो एक लेफ्ट रेडर है वो यहाँ से ज्यादा जा सकता है। मोहित की बात करेंगे तो ये भाई डिफेंस स्टार्ट हो गया, यहाँ से राइट कवर पर खेलेंगे। ए बस्तामी या मोनू हुडा दोनों में से कोई एक राइट कॉर्नर पकड़ता नजर आएगा। नितिन रावल और जोगिंदर नरवाल में से कोई एक लेफ्ट कॉर्नर पर खड़ा दिखेगा। जयदीप कुलदीप भाई लेफ्ट कवर पर फिक्स है इनके, और इस सीजन भाई जो कंटिन्यूअसली अच्छी परफॉर्मेंस है ना डिफेंस में जयदीप कुलदीप की है पूरे हरियाणा के डिफेंस में। तो अब यहां से आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि जब किसी मान लो कोई गाड़ी है उसके चार टायर होते हैं तो तीन टायर अगर मान लो पंचर हो जाएंगे तो भाई एक टायर क्या ही कर लेगा, ठीक है। तो वो दिक्कत आ रही है। वहीं अगर बात करें यहां पर यू मुंबा की तो यू मुंबा की स्टार्टिंग सेवन देख लेते। गुमान सिंह लेफ्ट रेडर टीम के, मेन रेडर टीम के, सबसे बड़े रेडर मान सकते हो आप इन्हें, लेकिन जो परफॉर्मेंस है बड़े रेडर वाली वो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा अभी जो इंपैक्ट डाल रही है वो डाल रही है भाई आशीष नरवाल की। तो आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों को ही आप अपने टीम में लेके चलो। वहीं अगर बात करें जय भगवान की तो जय भगवान यहां पर राइट साइड से रेड करेंगे, काफी कम चांसेस मिलेंगे, मेनली रेड भाई ऊपर से ये दोनों ही करने वाले हैं। 80% रेड भाई ऊपर ही खत्म हो जाएंगे इन दोनों में, बाकी 20% रेड में ये या फिर कोई सब्स्टिट्यूट रॉकर आता है तो वो करता नजर आएगा। हरेंद्र कुमार लेफ्ट कवर पर खेलेंगे, ठीक ठाक प्लेयर है, अभी कुछ ज्यादा खास परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, फिर भी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, एक आप जीएल में जरूर से ट्राई कीजिएगा। राहुल सेतपाल सुरेंद्र सिंह जो भी खेलेगा भाई राइट कवर पर आप ट्राई कीजिएगा, राइट कवर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है आज के मैच में, क्यों और कैसे वो आपको आगे बताता हूं, ठीक है। वहीं अगर यहां पर बात करें रिंकू हरी की तो राइट कॉर्नर पर खेलेंगे, ठीक ठाक प्लेयर आज, ज्यादा मतलब ज्यादा हाई चांसेस नहीं है कि ये कुछ जो बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस दे, बट ऐसे चांसेस जरूर है कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मोहित कलेर की बात करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, लेफ्ट कॉर्नर पर खेलेंगे और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लास्ट मैच में बहुत ही गजब खेल करा रहे हैं। अब अगर बात करें भाई आज के मैच की प्लेयर बैटल की तो यहां पर अगर बात करें तो सामने वाली टीम यानी कि हरियाणा स्टीलर्स की टीम से जो रेडर आएंगे वो दोनों राइट रेडर रहेंगे, ऑलमोस्ट मैच की 80 से 85% रेड यही दोनों डालेंगे और ये सीधा कहां पे जाएंगे, लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर पर। तो आज राइट कवर का और लेफ्ट कॉर्नर का रोल बहुत बड़ा रहेगा तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपके लिए वो क्या रहेगी, जो इनका एक लेफ्ट रेडर है वो जाएगा कहां पे, वो जाएगा रिंकू हरी के पास। हाँ रिंकू हरी के चांसेस है टैकल करने के, हो सकता है सामने से चैन लेके ब्लॉक कर दे या फिर कुछ भी करके एक दो तीन टैकल ले ले तो टीम में रख सकते हो, बट सीवीसी के आज इतने बड़े दावेदार नहीं रहेंगे, ठीक है। वहीं अगर बात करें हरेंद्र कुमार जीएल मिनी जीएल के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। अब अगर बात करें इनके रेडर्स की तो यहां पर भाई ओ भाई यहां पर गलती से मिस्टेक हो गई मेरे से, यहां पर आप देख सकते हो राइट रेडर है भाई, मैं गलती से मिस्टेक हो गई यहाँ से, है ना। यहाँ से अगर बात करें गुमान सिंह लेफ्ट से रेड करेंगे, मैच की ऑलमोस्ट 40 से 45% रेड यही करते नजर आएंगे। इनकी अगर बात करें तो ये भाई राइट कॉर्नर पर जाएंगे जहाँ पर आपको दिखेंगे ए बस्तामी या फिर भाई यहाँ पर आपको दिखेंगे मोनू हुड्डा, तो अगर भाई आप चाहो तो आप इनमें से किसी को ट्राई कर सकते हो। जीएल मिनी जीएल के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, यहाँ पर राइट कॉर्नर और लेफ्ट कवर यानी कि जयदीप कुलदीप और इनको आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर बात करें आशीष नरवाल और जो जय भगवान है ये भाई राइट साइड से रेड करेंगे, ये मैच की 55 से 60% रेड करेंगे, ये जाएंगे भाई यहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर जहां पर आपको नितिन रावल दिखेंगे या फिर यहां पर आपको जोगिंदर नरवाल ये दिखेंगे। इन दोनों में से जो भी खेलेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगर यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो बात कर लेते हैं, इनका सपोर्ट कौन करेगा, इनका सपोर्ट करेंगे राइट कवर से मोहित। मोहित की फॉर्म भाई अभी उतनी कुछ खास चल नहीं रही है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर बात करें भाई टीम की तो टीम मैं आपको बना के दिखा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे भाई मैं बार बार बोल रहा हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर ही आपको फाइनल अपडेट्स मिलेंगी। कल के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है। जीएल में रैंक 1 लाख दी, स्मॉल लीग अल्ट्रा क्लीनशिप करवाई और क्या ही चाहिए भाई। अब चलिए सीधा सीधा हमने यहां से टीम की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला मेरे हिसाब से यू मुंबा की टीम इस मैच को विन करेगी, तो इसी के फेवर में टीम बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी ना वो भाई टेलीग्राम पर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेडिंग सेक्शन में चलेंगे, यहाँ पर मनजीत गुमान और आशीष तीनों आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे, तीनों को आपको ट्राई करना है। ऑलराउंडर सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ से आप नितिन रावल को ट्राई कर सकते हो, बस्तामी को ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ से मैं राहुल सेतपाल के साथ जाऊँगा, बहुत ही शानदार प्लेयर है और आज के मैच में इनका रोल बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि सामने वाली टीम में दो राइट रेडर है और ये आएंगे लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर के सामने। रिंकू
फैंटेसी की बात करें, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। इनके साथ ही भाई आपको यहाँ से जयदीप कुलदीप को टीम में रखना है और नीचे मोहित खलेर। मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, अगर यहाँ से मुंबई जीतेगी तो यही कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। कैप्टनसी की बात करें तो नो डाउट भाई यहाँ से मनजीत को कैप्टन रखेंगे, वीसी में आशीष को रखने वाला हूँ। आशीष को वीसी क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि बंदा एक आधा टैकल भी देता है। यहाँ से आप देखिए एक टैकल दिया, रेडिंग में भी अच्छा काम किया, तो इसीलिए मैं इनको अपनी टीम का वीसी बना रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो मोहित खलेर या फिर गुमान सिंह में से किसी और को वीसी रख सकते हो। हाँ, बाकी अगर आप चाहो तो सीवीसी को रोटेट भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी अभी के लिए मैं सीवीसी को रोटेट नहीं कर रहा हूँ, जो सीवीसी में दे रहा हूँ वही रहेंगे। फाइनल टीम मेरी जो भी रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दूंगा, प्लस 3 से 4 ग्रैंड लीग की टीम भी मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।